वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार किस्म के फ्राई क्रिस्पी चिकन। ये देखिए, एंड मैंने ये लेग पीसेस ले लिया है। ये मैंने 5 से 6 लेग पीसेस लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। बस आप इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से कट लगा लीजिएगा इन तमाम पीसेस पे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले कुछ जो है 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसी तरीके से 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस डालूंगी। और इस तरीके से चिली सॉस भी 1.5 टीस्पून। और इसी तरीके से सिरका भी हमें इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर सिरका। बस को हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसका ना 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। इसी तरीके से मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालूंगी। 1 टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च डालूंगी। ये हसबे जरूर जितना आप मिर्चें पसंद करते हो उतनी डालने का। मैं इसको 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी। और 1 टेबल स्पून मैं पिसा हुआ जीरा डाल दूंगी। बस इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से कि मैं इसमें मसाले को हाथ से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, ये आप इसको ओवरनाइट भी, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। लेकिन 5 से 6 घंटे रखना तो जरूरी है। अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसको 5 से 6 घंटे आप इसको जरूर रखिए। बस अब इसको 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। बस इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी। इसी तरीके से मैं 1/2 टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी। ये कुटी हुई लाल मिर्च है इस तरीके की, बस हम वो डाल देंगे। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून में पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। बस इन तमाम चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, 5 से 6 घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट होते हुए। बस हम जो अब ये जो मैंने मैदे का मिक्सचर बनाया था, मैं पहले सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी इसको इस तरीके से। अच्छा, मैंने मैदे के अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन पाउडर भी डाला था, और 1 टेबल स्पून और चिकन पाउडर भी डाला है। दोनों चीजें 1 टेबल स्पून डालेंगे, लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर। बस अच्छी तरीके से कोट करके इसको इस तरीके से हम कर देंगे। और यहाँ मैंने सादा पानी ले लिया है। बस हम इसके अंदर पानी के अंदर डिप करेंगे इसको इस तरीके से। बस और ये इस तरीके करके दोबारा हम मैदे में कोट कर देंगे। अच्छी तरीके से हम दबा दबा के इसको मैदे में कोट कर लेंगे ये इस तरीके से। बस अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से, इसी तरीके से मैं तमाम कर लूंगी। देखिए, बस इसी तरीके से मैं सारी लेग पीसेस को इसी तरीके से कर लूंगी। ये देखिए, फ्राई पैन मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने को रख दिया था। बस ऑयल ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस मैं रखती जाऊंगी। ये देखिए, इसको दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि चिकन कच्चा है हमारा। ये देखिए कि मैं नीचे से इसको हो गए, मैं इस तरीके से पलट लूंगी। ये देखिए, मैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें। ये देखिए, ये नीचे से भी हो गए हैं। बस अब हम इसको डिश ऑफ कर लेंगे। ये देखिए, मजेदार किस्म के ये क्रिस्पी फ्राई चिकन तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये कितने क्रिस्पी हैंगे, और ये देखिए अंदर से कितने नरम मुलायम हैंगे। ये देखिए, कितने आराम से ये टूट जा रहे हैं। अंदर से नरम जूसी और बाहर से क्रिस्पी हैगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।